आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने दो या दो से अधिक ठोसों के संयोजन तथा एक से दूसरे ठोस के वियोजन से बनने वाले ठोसों के आयतन के बारे में जाना। आज हम किसी ठोस के एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण को समझेंगे। सुरेश के पास मिठाई का एक डिब्बा है जिसमें 3 किलो बर्फी आती है। यदि बर्फी के प्रत्येक टुकड़े का वजन 20 ग्राम है तो क्या तुम बता सकते हो कि डिब्बे में कुल कितनी बर्फियां होंगी? इस तरह की स्थितियों का अध्ययन हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डिब्बे में 150 बर्फी के टुकड़े होंगे। आइए अब लकड़ी के इस टुकड़े को देखते हैं, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं इस टुकड़े का आयतन क्या होगा? बिल्कुल सही, इस टुकड़े का आयतन 720 घन सेंटीमीटर होगा। यदि इस लकड़ी के टुकड़े को इस तरह 3 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या आप हर छोटे टुकड़े का आयतन ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश, हर छोटे टुकड़े का आयतन 240 घन सेंटीमीटर है। आप यहां देख सकते हैं हर एक छोटे टुकड़े का आयतन बड़े टुकड़े के आयतन के 1/3 के बराबर है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस लकड़ी के टुकड़े को यदि इस बार 5 बराबर टुकड़ों में काटते हैं तो देख सकते हैं कि प्रत्येक टुकड़े का आयतन 144 घन सेंटीमीटर मिलता है, जो कि बड़े टुकड़े के आयतन के 1/5 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी ठोस को एक समान माप के छोटे ठोसों में परिवर्तित किया जाए तो इस प्रकार बने छोटे ठोस के आयतन तथा छोटे ठोसों की कुल संख्या का गुणनफल बड़े ठोस के आयतन के बराबर होता है। क्या ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी ऐसा सत्य है? यदि हम लकड़ी के इस टुकड़े तथा इससे बनाए गए इन 5 टुकड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो आप देख सकते हैं कि ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यह कथन असत्य है। क्या ऐसा सिर्फ एक जैसे ठोसों के लिए संभव है? नहीं, ऐसा सभी ठोसों के लिए संभव है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि लोहे के बने इस बेलन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले 24 शंकु बनाते हैं तो इस स्थिति में भी यह कथन सत्य प्रमाणित होता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी ठोस को अन्य ठोस अथवा ठोसों में परिवर्तित करने पर बने ठोस अथवा ठोसों का कुल आयतन पहले ठोस के आयतन के बराबर होता है।